गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनामिका शर्मा। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी माय इयररिंग कलेक्शन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक करना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो चलिए देखते हैं माय इयररिंग कलेक्शन। तो मेरे पास जितने भी इयररिंग हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा 5 रुपीज़ से स्टार्ट है, जो कि मैं अपने गांव से कुछ इयररिंग लेके आई हूँ। छोटे छोटे से हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगे नहीं है, बहुत सस्ते इयररिंग्स हैं मेरे पास और बहुत ही सुंदर। तो चलिए देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे से जो क्यूट से रोजेस वाले इयररिंग आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। मेरा मन था कि मैं बहुत सारे ले लूँ, सारे के सारे ले लूँ। गांव से मैं लेके आई थी, गांव गई थी, ये सिर्फ 5 रुपीज़ के है और यहाँ पे 10 रुपीज़ से कम के नहीं मिलेंगे। ये इयररिंग मैंने शॉपी से लिया था और 85 रुपीज़ का पड़ा था। इसके साथ रिंग भी है, अच्छा है, सिंपल सा है बट अच्छा लगता है। इसके बाद ये वाला है, बहुत ही पुराना, 3-4 साल पुराना इयररिंग है, गोल्डन में है। नेक्स्ट ये भी छोटू सा क्यूट सा इयररिंग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सब सारे 30 रुपीज़ के इयररिंग्स हैं जो हमने लोकल मार्केट से लिए हैं। ये भी 30 रुपीज़ के हैं गाइस। इसके बाद आपको जितने भी दिखेंगे वो 30 रुपीज़ के होंगे इयररिंग, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से लिया और यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल इयररिंग मिल जाते हैं और अच्छे क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। और ये बहुत ही पुराना, 1-2 साल पुराना इयररिंग है। और भी बहुत सारे इयररिंग थे, तो बहुत ही 4-5 साल पुराना इयररिंग होगा गाइस। ये भी 30 रुपीज़ का है और बहुत अच्छा। ये वाला इयररिंग मैंने खुद बनाया है और भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं मुझे बनाने के लिए, बट बहुत सारा सामान भी नहीं होता है। इसे मैं 1-2 बार पहनी हूँ, बहुत सारे इयररिंग तो मैं पहनी भी नहीं हूँ और वैसे ही टूट गए हैं। ये भी 30 रुपीज़ का है और इसे भी मैं 1-2 बार पहनी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी इयररिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारे 30 रुपीज़ के हैं इयररिंग्स और बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं और बहुत सुंदर भी हैं। ये पिकॉक वाला है बट मेरे कान में मेरे को थोड़ा सा बड़ा लगता है। ये बहुत ही पुराना इयररिंग है। एक लोटस वाला है जिस पे लोटस बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। ये एक और इयररिंग है, ये भी 30 रुपीज़ का, झुमकी टाइप में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बड़ा, और भी बहुत सारे इयररिंग्स है गाइस जो अभी नहीं मिल रहे, कहाँ गए नहीं पता और ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं ढूंढी। और ये मैंने खुद बनाया था। एक और हुक इयररिंग है, लेने के लिए मैं ले लेती हूँ बट पहनना उतना नहीं हो पाता है, तो इसी के वजह से। इसके साथ मांग टीका सेट भी है। ये एक और झुमका है, मेरे को झुमका बहुत पसंद है, तो छोटा छोटा सा मेरे पास झुमका है। इसके साथ नेकलेस पीस भी है, तो ये 150 या 100 का पड़ा था। ये 30 रुपीज़ का है, जो कि आपको मीशो पे फ्लिपकार्ट पे 150 से कम का नहीं मिलेगा। ये ट्रेंडिंग इयररिंग है। ये भी 30 रुपीज़ का है गाइस। 35 अंकल बोल रहे थे बट मैंने बोला कि मैं 30 रुपीज़ ही दूँगी, तो ये 30 रुपये के इयररिंग्स है जो कि ऑनलाइन आपको 150 के कम नहीं मिलेंगे, 150 से कम के नहीं मिलेंगे। ये भी मैंने 30 रुपीज़ के लिए हैं, सारे के सारे 30 रुपीज़ के। हुक इयररिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक इस टाइप के, तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये झुमका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 140 रुपीज़ का है, बट ये मेरा फेवरेट है। इसके बाद एक और गोल्डन झुमका आ रहा है, ये भी मेरा फेवरेट, ये भी 140 रुपीज़ का, यानी कि 140 रुपीज़ का है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छा लगता है, क्या करते हैं, बट बहुत महंगा आता है। मन करता है मैं सारे ले लूँ। और गाइस आप इसको बिलीव नहीं करोगे, जस्ट 30 रुपीज़ का है और इसे ऑनलाइन मैंने देखा 150-160 ऐसे ऐसे करके मिल रहा था। अगेन ये मेरा फेवरेट है, इसके साथ मांग टीका है। और भी बहुत सारे इयररिंग्स हैं जो कि मिल नहीं रहे हैं, बहुत सारे मैंने गिफ्ट कर दिए किसी को इसी के वजह से। तो ये था आज का वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।